हाय, वंस अगेन आई एम अनिल कुमार यादव। आज मेरे चैनल कैन आई हेल्प यू ऑनलाइन डॉट कॉम में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं अपने चैनल के जरिए आपको यह सिखाऊंगा कि हमारे लिंक्डइन अकाउंट का जो कस्टम यूआरएल है, हम उसे कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम गूगल में जाकर लिंक्डइन लॉगिन टाइप कर लेंगे। और लिंक्डइन लॉगिन टाइप करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि साइन इन लिंक्डइन लिखा हुआ है, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर लॉगिन कर दीजिए। यहाँ पर साइन इन करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो भी लिंक्डइन अकाउंट का होम पेज है वह ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के शुरुआत में बताया था कि हम अपने लिंक्डइन अकाउंट का कस्टम यूआरएल कैसे चेंज करेंगे, तो कस्टम यूआरएल चेंज करने के लिए हम यहाँ प्रोफाइल पर जाएंगे। और प्रोफाइल पर जब हम माउस का कर्सर रखेंगे तो यहाँ पर आप नीचे देखेंगे कि एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन दिया हुआ है, तो फिर आप एडिट प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। जब आप एडिट प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो लिंक्डइन अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि उसके कस्टम यूआरएल दिए हुए हैं, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ये देखिए, आप यहाँ पर अनिल कुमार डैश, ये हमारा कस्टम यूआरएल है। तो हम इसे कैसे चेंज करेंगे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि अपडेट योर पब्लिक प्रोफाइल सेटिंग। तो यहाँ पर सेटिंग की जो बटन दी गई है, हम उस सेटिंग के बटन पे क्लिक करेंगे। सेटिंग की बटन क्लिक करने के बाद यहाँ पर राइट हैंड साइड में हम देखेंगे कि ब्लू कलर में क्रिएट योर कस्टम यूआरएल, तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद देखेंगे कि जो भी हमारा मेरा नाम था वहां पर अनिल कुमार डैश XYZ जो भी था, तो वहां पर ब्लैंक हो गया। अब उसे हम चेंज करेंगे, तो मैं यहाँ पर अपने यूट्यूब के चैनल का जो नाम है कैन आई हेल्प यू ऑनलाइन, तो मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। आप इसकी स्पेलिंग चेक कर लीजिए। और जैसा कि आपको बता दूं कि आप जो जो भी आप कस्टम यूआरएल चेंज करते हो, तो आप यहाँ पे लाइफ टाइम में एक ही बार कर सकते हो आप इसे, इसलिए आप जब भी करना आप बहुत ही केयरफुली करना इसे, नहीं तो फिर अगर क्या होगा, आपका एक बार गलत हो गया तो फिर आपका वही यूआरएल रह जाएगा, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक आप इसे चेंज कीजिए, और जो भी नाम स्पेलिंग है वह केयरफुली चेक कर लीजिए। और यहाँ पर आप सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भी आपका कस्टम यूआरएल है वह सक्सेसफुली चेंज हो गया है। और यहाँ पर देखेंगे कि दो ऑप्शन दिया हुआ है, मेक माय पब्लिक प्रोफाइल विजिबल टू नो वन, और यहाँ पर लिखा है मेक माय पब्लिक प्रोफाइल विजिबल टू एवरीवन। तो हम एवरीवन की, क्योंकि हमने यह सोशल नेटवर्किंग साइट के लिए बनाया है, मतलब उस पर जाकर बनाया है, तो यह पब्लिकली हमें शो करना है, तो यहाँ पर, और इसे डिफॉल्ट ही रहने देंगे। और यहाँ पर हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम देखेंगे कि जो भी हमारा कस्टम यूआरएल है वो सक्सेसफुली चेंज हो गया है। और वो यहाँ पर आप देखेंगे कि योर लिंक्डइन पब्लिक प्रोफाइल सेटिंग हैव बीन सेव्ड। तो जैसे कि यह सेव हो गया, अब यह कुछ घंटे के बाद अपडेट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको लिंक्डइन में जाकर उसका कस्टम यूआरएल चेंज करने का जो वीडियो है यह अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आपकी इस बारे में किसी भी प्रकार की शंका है या आप किसी तरह की मदद चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय या शंका लिख सकते हैं।